हेलो सो मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड ऐसा इसलिए बिकॉज आई हैव बीन रियली बिजी इन माई रियल लाइफ। आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड यू नो हु एल्स इज हार्ड वर्किंग, गाँव मॉम। सो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं हु डज डिजिटल ड्राइंग्स और इफ यू आर अ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हु वॉन्ट्स टू ट्राई डूइंग डिजिटल ड्राइंग्स देन दिस इज अ मस्ट हैव। तो गाउमोन एक ब्रांड है विच मेक्स डिजिटल ड्राइंग टैबलेट्स और ग्राफिक टैबलेट्स, जो भी आपको कहना पसंद हो। द ब्रांड इज वर्किंग वेरी हार्ड टू प्रोवाइड गुड डिजाइन्स, मोर फीचर्स व्हाइल आल्सो बीइंग बजट फ्रेंडली। सो हाँ, आप ज्यादा टाइम ना व्यर्थ करते हुए लेट मी जस्ट क्विकली अनबॉक्स इट, प्रिटेंडिंग दैट आई हैव नॉट डन इट ऑलरेडी। सो S620 मॉडल इन पर्टिकुलर इनके बजट सेक्शन में आता है। ये बैटरी फ्री है तो आपको कनेक्टिविटी और चार्जिंग का ज्यादा तामझाम पालने की जरूरत नहीं है। द USB केबल इज प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। आपको सिंपली इसे अपने PC से कनेक्ट करना है एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग राइट अवे। कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। द डिजाइन ऑफ द टैबलेट इज वेरी स्लीक, कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट, इजिली कैरी किया जा सकता है। टॉप पे आपको गाउमोन की ब्रांडिंग मिलती है और राइट नेक्स्ट टू इट यू हैव 4 एक्सप्रेस कीज। आसान नहीं होता इस बजट में एक्सप्रेस कीज प्रोवाइड करना। एंड यस, obviously the pen feels very premium and comfortable to work with. So हाँ, all in all ये एक बहुत ही बढ़िया और worth it package है at this price range. अगर आप एक beginner हैं और even experienced हैं, then you can still get it. It's a great steal. Now अब आखिर में वो लोग जिनके पास computer नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास भी नहीं था एंड परेशान होने की बात भी नहीं है बिकॉज ये इजिली आपके फोन पर भी कनेक्ट हो जाएगा। The OTG provided in the box is such a nice touch. Thank you. मुझे आप लोगों को टैबलेट फोन पर यूज करके भी दिखाना था, सो मैंने सोचा था कि मैं ये मम्मी के फोन पर इजीली कर सकता हूँ, बट देन आई रियलाइज्ड दैट द OTG इज एक्चुअली टाइप सी, विच इज अ गुड थिंग, बट इस कमरे में इस वक्त टाइप सी सिर्फ मेरे ही फोन पर सपोर्ट करेगा। सो हाँ, आई एम गोना यूज इट ऑन माई फोन नाउ। इसलिए कैमरे की क्वालिटी भी थोड़ी खराब लग रही होगी बिकॉज आई हैव अनदर फोन देयर। सो दिस यू कैन सी the USB port goes in here and then this goes here. And now the pen should act like a mouse. Yes it is. Now that we have YouTube opened, we can watch some anime TM now. So something really bad happened and even before I had chance to start recording, I lost my script. And नहीं, मैं बिल्कुल भी कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा एक लो एफर्ट वीडियो का, मैं सच कह रहा हूँ यार। तो हाँ गाइज, आज की ये वीडियो वॉच मोजो की वीडियो से थोड़ी सी ही ज्यादा हाई क्वालिटी होगी, तो हाँ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टॉपिक तो पता है आप सभी को आज की वीडियो का, सो लेट्स गेट बैक टू द बिगिनिंग। साल 2021, आहा। सो इस साल काफी सारे अच्छे एनिमे रिलीज हुए एंड उनमें से काफी सारे मैंने देखे भी, बट आई ऑल्सो मिस्ड आउट ऑन अ लॉट। सो हाँ, आई वॉच क्वाइट अ फ्यू बट आई ऑल्सो डिड नॉट कीप ट्रैक ऑफ लाइक एवरी एनिमे एयरिंग एवरी सीजन एंड इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है कि इस साल एनिमे कम्युनिटी में एक्चुअली हुआ क्या है, एक्सेप्ट टोक्यो रिवेंजर्स। भाई प्लीज चुप हो जाओ। तो हाँ चलो, सिर्फ उन्हीं एनिमे के बारे में बातें करते हैं जिन्हें मैंने एक्चुअली देखा है, लाइक मुशोकु टेंसेई, टू योर इटर्निटी, टोक्यो रिवेंजर्स, वीवी, वंडर एग प्रायोरिटी और एक दो होंगे, मैं नाम भूल गया, आई हैव टू मच टाइम ऑन माय हैंड। तो हाँ, ये सारे एनिमे काफी अच्छे थे, प्रिटी गुड, एक्सेप्ट मे बी वंडर एग प्रायोरिटी। भाई क्या एंडिंग थी वो। एंडिंग आते आते वंडर एग प्रायोरिटी एक पूरा का पूरा ट्रेन रैक बन चुका था। यू कुड क्लियरली टेल दैट द राइटर्स हैड नो क्लू व्हाट दे वर डूइंग, लेकिन फिर भी मैंने उस एनिमे को पूरा देखकर फिनिश किया एंड दैट इज बिकॉज आई स्टार्टेड इट एंड आई स्टार्टेड इट बिकॉज इट वॉज एक्चुअली वेरी गुड इन द बिगिनिंग एंड दैट इज द थिंग। इस साल जितने भी एनिमे देखने लायक थे उनका इनिशियल प्रॉमिसिंग फैक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, दे गेन्ड योर अटेंशन राइट अवे। डजंट मैटर कि उनमें से कुछ आगे जाकर थोड़े बोरिंग हो गए, सम लॉस्ट ट्रैक एंड सम जस्ट डिडंट डेवलप इनफ, दे वर ऑल अट्रैक्टिव इन द बिगिनिंग और इसीलिए इनमें से किसी को भी बेस्ट एनिमे ऑफ 2021 पिक करना मुझसे नहीं होगा। I'd rather give it to that anime जो शुरू में तो जरा भी अट्रैक्टिव नहीं था, बट एज इट गेन्ड सम पॉपुलैरिटी, इट ऑलमोस्ट हैज अ कल्ट फॉलोइंग नाउ। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओत्तो तक्षिणा। नानी बच्ची किमत्ता का अंदाज़ देरु केदो। यस इट इज, आई विल शो यू। Just never hear the sun like you.
नहीं, मैं सिर्फ कूल बनने के लिए इस एनिमे का नाम नहीं ले रहा। मैं कोई प्रिटेंशियस एलिटिस्ट नहीं हूँ और ना ही और टैक्सी कोई बहुत ज्यादा मेटाफोरिकली रिच सबलिमिनल और अल्टरनेट पीस ऑफ फिक्शन है। ये एक 13 एपिसोड्स की बहुत ही ज्यादा नॉर्मल स्टोरी है। इट इज व्हाट इट इज, यू वॉच इट एंड जज इट योरसेल्फ। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखकर फिनिश किया था, आई हैड टू थॉट्स इन माय माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर डिड दिस इवन कम फ्रॉम एंड व्हाई इज इट सो गुड। एक ओरिजिनल स्टोरी एनिमेटेड बाय द सेम स्टूडियो दैट एनिमेट्स पोकेमॉन प्रोबेबली एक्सप्लेन्स कि इसमें सारे कैरेक्टर्स जानवर क्यों हैं। द प्रेमिस इज वेरी सिंपल। इट इज अबाउट अ मिडिल एज्ड वॉलरस जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है इन मॉडर्न टोक्यो, एंड दैट्स इट। इतना ही सिंपल है सब कुछ। एंड मुझे पता है आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस एनिमे का मेन यूएसपी इसकी एस्थेटिक वाइब्स नहीं है, इट इज एक्चुअली द स्टोरी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और टैक्सी डिजर्व्स ऑल द हाइप एंड प्रेज दैट इट इज गेटिंग राइट नाउ। नाउ व्हाट इज दिस इवन अबाउट? वेल, अगर मुझे इसे डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूंगा कि और टैक्सी इज लाइक अ वेस्टर्न नोइर थ्रिलर डिस्गाइज्ड एज अ गूफी लुकिंग फरी एनिमे। ऊपर से देखने पर तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, पर ये एनिमे एक्चुअली काफी ज्यादा रियल और सीरियस है। यू नो, एनिमे मीडियम की एक टेंडेंसी है सिचुएशंस को काफी ज्यादा एग्जैजरेट और ड्रामाटाइज करके प्रेजेंट करने की। वेल, उन सारी चीजों को ओमिट कर दें, देन यू विल गेट और टैक्सी। द ओवरऑल नेचर ऑफ दिस एनिमे इज नथिंग लाइक एनिमे। कैरेक्टर्स के बीच होने वाली कॉन्वर्सेशंस काफी ज्यादा रिच, अब्सर्ड एंड कई बार बहुत ज्यादा डीप भी हो जाती हैं। सिर्फ प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए कैरेक्टर्स आपस में बातें नहीं करते, दे मूव द प्लॉट व्हाइल डूइंग सम रियली इंटरेस्टिंग एंड फन टू लिसन कॉन्वर्सेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बोजैक हॉर्समैन जैसे डायलॉग हैवी शोज पहले देख रखे हैं तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बातें कर रहा हूं। तो मेन कैरेक्टर ओदोकावा एक मिडिल एज्ड अनमैरिड वॉलरस है जिसकी जिंदगी एक लूप पर चल रही है। अब मुझसे ये मत पूछना कि लूप पे जिंदगी जीना क्या होता है, लिटरली अपनी खुद की जिंदगी देख लो। वेक अप, डू थिंग्स इन सर्कल्स, गो बैक टू स्लीप। यस, ओदोकावा की लाइफ कुछ खास नहीं चल रही है, बट एज वी स्टार्ट वॉचिंग हिम, उसकी लाइफ में एक चेन ऑफ इवेंट्स सा स्पार्क हो जाता है एंड एवरीथिंग बिकम्स अपसाइड डाउन। नाउ, अब मैं स्टोरी के बारे में बातें नहीं करना चाहता वरना वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे एंड मैं तरुण तो हूं नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इन एपिसोड 1 अ गर्ल गोज मिसिंग एंड दैट इज द स्पार्क ऑफ द इवेंट्स। एंड उन इवेंट्स में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग सीरियस यू कैन थिंक ऑफ, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर, एनीथिंग। इसकी अपीयरेंस पे मत जाना, दिस इज नॉट योर कवाई जैपनीज कार्टून, दिस इज हॉट टैक्सी। ये एनिमे एक्चुअली रियलिटी में इतना ज्यादा ग्राउंडेड है कि लोग इसे वेस्टर्न थ्रिलर जॉनरा से काफी ज्यादा कंपेयर करते हैं, स्पेशली विद द टेरेंटिनो फिल्म्स। नाउ, टेरेंटिनो फिल्म्स को लेकर मैं इतना ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी मैंने देखी है आई वुड से हाँ थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है। बट अगर मुझे पिक करना हो कोई ऐसा पीस ऑफ वर्क जो कि क्लोजेस्ट है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग विद ऑड टैक्सी, आई वुड रिकमेंड अ साउथ इंडियन फिल्म कॉल्ड विक्रम वेधा। मैन, दिस मूवी इज क्लास। नाउ ऑब्वियसली नेचर के मामले में दोनों चीजें काफी ज्यादा अलग हैं, बट दे वर्क इन द सेम वे। द प्लॉट मूव्स व्हाइल लीविंग हिंट्स एंड फोरशैडोइंग्स ऑल ओवर द प्लेस जो कि एंड में जाकर बहुत ही ब्यूटीफुली टाई अप हो जाते हैं एंड इट इज जस्ट सो सेटिस्फाइंग टू वॉच। एवरीथिंग हैज अ मीनिंग एंड एवरी कैरेक्टर सर्व्स अ पर्पस। द स्टोरी इज वेरी डेंसली पैक्ड एंड इसमें मल्टीपल प्लॉट पॉइंट्स हैं जो कि घूम फिर कर आपस में कनेक्ट हो ही जाते हैं इन द एंड। Sometimes it can feel ridiculous, but the direction and screenplay is so well done that it never feels out of the place. A second you feel like, oh, ये इससे कैसे connect हो गया? This is too much of a coincidence. But then next second आपको उसके पीछे का context दिखाया जाता है and you're like, oh, genius. राइटिंग वाइज और टैक्सी एक बहुत ही हाई क्वालिटी वर्क है, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा अगर आप इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखना सिर्फ अच्छी राइटिंग ही इसका मेन यूएसपी नहीं है। एज अ शो और टैक्सी इज गुड, एज एन एनिमे इट इज यूनिक। कई सारे हाईली प्रेज्ड और पॉपुलर एनिमे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने एनिमे के सारे ट्रोप्स को ब्रेक और एस्केप कर दिया है, लेकिन हम सब जानते हैं ऐसा नहीं है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो एनिमे वाली फील कहीं ना कहीं रह ही जाती है। इट इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, लेकिन हाँ, अगर कोई एनिमे इन सब को एस्केप करने में सक्सेसफुल हो जाता है देन इट इज एन अचीवमेंट एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट ऑड टैक्सी हैज डन इट। ऑड टैक्सी ने एनिमे के सारे ट्रोप्स और फील्स को एस्केप करके कुछ नया और फ्रेश प्रेजेंट किया है, समथिंग ऑफ इट्स ओन, समथिंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर इयर्स डाउन द लाइन, एंड दैट इज व्हाई इन माय ओपिनियन ऑड टैक्सी इज द एनिमे ऑफ द ईयर।
So, मैं ऑड टैक्सी देखकर फिनिश करता हूँ और बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैं उसे एनिमे ऑफ द ईयर भी करार कर देता हूँ. बट एज सून एज आई गो टू माई एनिमे लिस्ट टू चेक इफ ऑड टैक्सी हैज अ रीजनेबल स्कोर विच इट हैड, बट राइट नेक्स्ट टू इट आई सी दिस. भाई अब ये क्या है, अब इतने हाई स्कोर वाले एनिमे को एक बार तो चेकआउट करना बनता ही है. तो हाँ, जब मैंने उस लिंक को देखा, मैंने उस लिंक पर क्लिक किया एंड आई गॉट लिंक क्लिक. अब टू बी ऑनेस्ट, मैं 8 साल का इतना ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ. सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा ये कोई अनदर एंग्स्टी टीनेज वेबटून स्टोरी है जो कि आजकल के छोटे बच्चे प्रिफर करते हैं. मैं नहीं, मैं आई एम एन अडल्ट एंड आई प्रेफर अडल्ट थिंग्स. ओह लुक एट हर, शी इज सो क्यूट. माय एनिमलिस्ट ने तो मुझे कन्विंस नहीं किया इस एनिमे को एक चांस देने के लिए, बट नाउ सिंस मेरे दिमाग में इसका नाम बैठ चुका था, आई स्टार्टेड पिकिंग दिस टाइटल इन द कम्युनिटी. पीपल वेयर टॉकिंग अबाउट इट एंड पीपल इन कॉमेंट सेक्शन वेयर ऑल्सो मेंशनिंग इट एंड इट मेड मी फ्यूरियस. What kind of person do you think I am? I let internet dictate my life choices? Huh. Yes, I do. So, हाँ, मैंने देख लिया लिंक क्लिक ऑल 11 प्लस 1 स्पेशल एपिसोड एंड नाउ आई हैव दीज थॉट्स इन माई माइंड. फर्स्ट, वेयर डिड दिस इवन कम फ्रॉम? Why is it so good and why is it called Link Click? Well, to make it short, Link Click एक Chinese anime है. अब हाँ, मुझे पता है काफी लोग ऑलरेडी पीछे हट चुके हैं, सम फॉर पॉलिटिकल reasons एंड सम जिन्हें जापानीज के अलावा और कोई लैंग्वेज भाती नहीं है. वेल, आजकल जब भी मैं किसी नए एनिमे के अंदर घुसता हूँ, मैं अपने साथ अपने प्रेजडिस भी लेकर जाता हूँ, बिकॉज अपेरेंटली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है. आई एम द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. एंड लिंक क्लिक वॉज नॉट एन एक्सेप्शन. तो तीन बंदे हैं, तीन हैंडसम बंदे, एक ये तीसरा मैं, जिनमें से ये दोनों एक नॉर्मल सा फोटो स्टूडियो चलाते हैं जो कि सिर्फ इनका एक साइड बिजनेस है. इनका मेन बिजनेस है फोटोज के अंदर घुसना. यस, तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा टाइम ट्रैवल है और थोड़ा सा फोटोज के अंदर घुसना. ये बंदा जिसका मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकता, उसके पास एक पावर है जिससे कि वो फोटोज के अंदर घुस सकता है. ऑन द अदर हैंड, ये बंदा किसी भी फोटो को देखकर उस फोटो का फ्यूचर बता सकता है. रिमेंबर, जस्ट फोटो का फ्यूचर, नॉट द एक्चुअल फ्यूचर. उस फोटो को खींचने के बाद अगले 12 घंटे तक उस फोटो खींचने वाले इंसान के साथ क्या क्या हुआ, ये बंदा सिर्फ फोटो देखकर बता सकता है. एंड ब्लैक जब भी किसी फोटो के अंदर घुसता है, तब वो उस फोटो खींचने वाले इंसान के शरीर को पोजेस कर लेता है. एंड नाउ ही कैन लिव द 12 आवर्स ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ. एंड सिंस व्हाइट हेयर को सब कुछ पता है कि इन 12 आवर्स में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, वो कॉन्स्टेंटली ब्लैक को गाइड करता रहता है. एंड दिस इज हाउ दे रन देयर बिजनेस. बट वॉट डू दे एक्चुअली डू? वेल, इनके स्टूडियो में कस्टमर्स आते हैं फोटोज लेकर और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन फोटोज के अंदर घुसे. अब इन दोनों की पावर सुनने में भले ही बहुत ज्यादा यूनिक लगे, बट ऑल इन ऑल इट इज जस्ट टाइम ट्रैवल विद एक्स्ट्रा स्टेप्स. फोटोज के अंदर घुसकर ही सही, बट दे आर स्टिल गोइंग टू द पास्ट. दिस इज टाइम ट्रैवल. एंड यू नो, ऑलमोस्ट एवरी टाइम ट्रैवल स्टोरी में टाइम ट्रैवल का क्या पर्पस होता है? टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टू ब्रिंग अ चेंज. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लिंक क्लिक डज नॉट डू. द कस्टमर्स कैन डिमांड एनीथिंग बट अ चेंज. सो यूजुअली ये दोनों भाई पास्ट में जाकर सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करते हैं जो किसी कस्टमर को चाहिए हो. यू रियलाइज दैट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग इनटू द पास्ट यूजिंग फोटोज इज सच अ जीनियस व्हेन यू स्टार्ट वॉचिंग दिस शो, बिकॉज फोटोज लाइफ की चेरी पिक्ड मेमोरीज होती है. दे कैन फील हार्ट वार्मिंग एट द टाइम, बट दे कैन ऑल्सो बिकम हार्ट ब्रेकिंग ओवर टाइम. तो जब भी कोई कस्टमर एक फोटो लेकर आता है स्टूडियो में, दैट फोटो इन इट सेल्फ इज अ स्टोरी. तो हर एक एपिसोड में आप एक फोटो की स्टोरी देखोगे एंड हर एपिसोड के खत्म होते होते यू विल बी सो इमोशनली इन्वेस्टेड एंड एग्जॉस्टेड बाय द लाइव्स ऑफ दीज एब्सोल्युटली रैंडम पीपल. कोई भी एपिसोड जब शुरू होता है, तब मैं ऐसा सोचता हूँ कि हाँ, मैं ये क्यों देख रहा हूँ, हाउ कैन दिस बी एनीथिंग इंटरेस्टिंग. बट बाय द एंड ऑफ एवरी एपिसोड आई एम लाइक, आई केयर सो मच फॉर अ रैंडम फिक्शनल कैरेक्टर. हर एपिसोड इमोशनली एग्जॉस्टिंग है इन इट्स ओन वे. मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई एपिसोड मेरा फेवरेट था और कोई एपिसोड मेरा लीस्ट फेवरेट था. नहीं, दे ऑल मैनेज टू ब्रेक मी. सो वन ऑफ द मेजर USPs इन लिंक क्लिक इज द इमोशंस एंड ऑल्सो द म्यूजिक दैट हेल्प्स सेल दोज इमोशंस. तो हाँ, इनका धंधा अच्छा चल रहा है. हर एक एपिसोड में हम एक बहुत ही इमोशनली हैवी स्टोरी देख रहे हैं. आपको लग रहा होगा कि लिंक क्लिक एक एंथोलॉजी सीरीज है. वेल, फॉर द मोस्ट पार्ट यस इट इज, लेकिन इसमें एक ओवरआर्किंग प्लॉट भी है जो कि पैरेलली इन सारी स्टोरीज के साथ डेवलप होता रहता है. एंड बाय द लास्ट एपिसोड इट काइंड ऑफ बिकम्स द मेन फोकस ऑफ द स्टोरी, जो कि हम मे बी कंक्लूड होते हुए देखेंगे इन सीजन 2 ऑफ लिंक क्लिक. यस, देयर विल बी अ सीजन 2. ऑनेस्टली मैंने वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. मुझे लग रहा था कि लिंक क्लिक भी ऑड टैक्सी की तरह 11-12 एपिसोड की शॉर्ट एंड कंप्लीट स्टोरी होगी. बट व्हेन आई वाज वाचिंग द लास्ट एपिसोड, व्हेन आई वाज थिंकिंग दैट इट इज डन सेटल्ड एंड गोइंग टू रैप नाउ, द शो डिड अ कंप्लीट 360, पुल्ड ऑफ पॉसिबली वन ऑफ द बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम एंड सेट इटसेल्फ अप फॉर येट अनदर ग्रेट सीजन.
तो मेरे हिसाब से और टैक्सी के कंपैरिजन में लिंक क्लिक की मेनस्ट्रीम अपील काफी ज्यादा है। तो अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। आप कोई भी एज ग्रुप के हो, अपने दो एनिमे देखे हो या 200, डजंट मैटर, वॉच लिंक क्लिक राइट नाउ, आई गारंटी दैट यू विल एंजॉय इट। एंड एग्जैक्ट सेम चीज मैं और टैक्सी के लिए तो नहीं कहूंगा, बट अगर आपका मन हो तो देख लो, इट इज ऑल्सो वेरी गुड बट मेड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस। लिंक क्लिक की लॉन्ग टर्म सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उस एनिमे की एंडिंग कैसी होगी, बट ऑड टैक्सी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑड टैक्सी वॉज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल शो एंड द एक्सपेरिमेंट वॉज अ सक्सेस। एंड यही सामग्री सबसे ज्यादा नेसेसरी होती है एक कल्ट क्लासिक बनने के लिए। एंड ऑड टैक्सी इज बाउंड टू बिकम वन। इट इज सच अ कोइंसिडेंस दैट स्टूडियो OLM एंड बिलीबिली फ्रॉम चाइना डिसाइडेड टू लैंड देयर बेस्ट हिट्स इन द सेम ईयर। यूजुअली इट वुड बी अ पावर स्ट्रगल कि कौन सा एनिमे एनिमे ऑफ द ईयर बनेगा, बट इन दिस केस आई जस्ट डोंट केयर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों में से मेरा पर्सनल एनिमे ऑफ द ईयर कौन सा है। आई एंजॉयड देम एंड आई विल रिमेंबर देम, दैट ओनली मैटर्स। एंड आई होप कि हर साल एक ऐसा एनिमे आए दैट विल डिफाइन that anime year for me.